अच्छा, जस्ट टू आस्क कि यहाँ की हालत देख के तो नहीं लग रहा है कि लाइक और ब्रांड्स में जाते हैं तो बड़ा अच्छा दिखता है, यहाँ पे टूटा फूटा वाला फील हो रहा है, ऐसा क्यों? कुछ कुछ नहीं होगा इसका फिर अब। इसके जैसा कोई नहीं मिला, खोज खोज के थक गए इसका सर्विस सेंटर। वाह। वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्टिंग ऑपरेशन। आज ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने जितने भी टॉप सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड्स थे वो हमने चेक कर लिए, स्टार्टिंग विद द लिस्ट, जैसे कि सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो, ये सारे हमने कवर किए थे। प्लस अनदर एक्साइटिंग प्लेयर्स ऑफ कोर्स एप्पल, कैसे भूल सकते हैं, एंड वन प्लस, नथिंग, ये सारे प्लेयर हमने कवर कर लिए। आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि अदर ब्रांड्स जैसे कि मोटरोला आप कैसे भूल सकते हैं, नोकिया को क्या हो गया, माइक्रोमैक्स की क्या कहानी है, इंटेक्स, लावा, टेक्नो, आईटेल, सारे ब्रांड्स बचे रह गए। अब सेम वीडियो में गाइस दिखाना पॉसिबल नहीं था, अदरवाइज ये 45 मिनट का ना एक वेब एपिसोड बन जाता, आप भी बोर हो जाते और मैं भी आपको दिखा के बोर हो जाता। तो चलिए कुछ फोन्स निकालते हैं, जो बचे हुए ब्रांड्स हैं उनको हम टेस्ट करते हैं। लेट्स फाइंड आउट गाइस उनके बीच में क्या रियलिटी है। फर्स्ट प्लेयर ऑफ कोर्स जो आप लोग समझ रहे होंगे, मोटरोला एक फ़ोन लेते हैं, देन माइक्रोमैक्स, आफ्टर दैट एसुस की क्या कहानी है, क्या रिपेयर होता है नहीं होता है, वो भी हम ले लेते हैं। ये रहा लावा, इसको भी हम ले लेंगे। नोकिया के लेटेस्ट फ़ोन तो मेरे पास नहीं, लेकिन ये फाइंड आउट करते हैं क्या पुराने फ़ोन्स रिपेयर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो नोकिया 7.2, ये रहा टेक्नो, इसको भी चेक करते हैं, एंड ये रहा गाइस इनफिनिक्स। सो सात ब्रांड्स के फ़ोन बचे हैं वो हम चेक करते हैं। गूगल का मैं आपको बताता हूँ, एंड LG का मैंने चेक किया था, फ़िलहाल कोई सर्विस नहीं चल रही है, वहाँ पे इंजीनियर्स नहीं थे। सो टाटा बाय बाय। बाय दीज प्रोडक्ट्स विद द बेस्ट डील्स एंड ऑफर्स फ्रॉम द यूट्यूब शॉपिंग लिस्ट। टैप ऑन द स्क्रीन एंड क्लिक व्यू प्रोडक्ट्स टू नो मोर। ओपन हो गया, ओपन है। अच्छा, ये H20 फ्यूजन, इसका डिस्प्ले चेंज कराना था। और नोकिया का भी यहाँ पे होता है, पहले इसका देख लीजिए। मोटोला H20 फ्यूजन, हाँ गिर गया था तो उसका डिस्प्ले नहीं काम कर रहा गिरने के बाद से। यहाँ पे और कौन कौन से ब्रांड का है? बस मोटोला, नोकिया दो। अच्छा, वो WD का जो लिखा लग रहा है वहाँ पे, नंबर नहीं आते आई में क्योंकि फोन ऑन नहीं हो रहा ना। यहाँ नेम, यहाँ पे मॉडल, आईएमए नंबर, ठीक है, वारंटी में है कि नहीं, आउट वारंटी है। और भी कहीं है मोटो लगा कि बस यहीं पे है, क्योंकि काफी दूर से आना पड़ा था, बस ओनली प्लेस। अब पूरा फ्रेश करना हो, जैसे कि बैक पैनल भी चेंज करना हो, बैक पैनल से देख के बता देंगे। हाँ, फाइनल बता दीजिएगा पूरा कि जैसे कि सिम ड्रीम ट्रे सब चेंज हो जाए। 2000 के आसपास का होगा, 2000 वो मान लिया, 850, 9500 हो गया। लेंस का अभी तो नहीं, मतलब करीब 1600 पूरा, तो 11500 हो गया, मतलब 10500, 12000 मान के चले। और सारी चीजें आपके यहाँ मिल जाएंगी, तुरंत टाइम लगेगा इंस्टेंट, पता नहीं, ये आप चेक कर लीजिए कि पार्ट में आपके यहाँ तुरंत है कि देख लो, सारे देख लो एक बार, कॉस्ट देख लेना। बैलून 26 जनवरी के नहीं सर, 1 जनवरी का। अच्छा, अभी तक लगा होगा ये, ऑथराइज तो होगा नहीं मोटोरोला का, टाइप से होगा किसी कंपनी से, ऑथराइज कोई होम पिकअप तो नहीं होता ना, डिलीवरी भी नहीं रिपेयर के बाद, अगर है तो हम करा लें, फिर दूर से क्यों आए, फिर काफी दूर से आना पड़ता। ये तो पुराना मॉडल हो गया, तो उसके पार्ट्स होंगे आपके पास? अभी बहुत आते हैं सर ये मॉडल। अच्छा, यूजली जो पॉपुलर फोन है उसके पार्ट पहले रखते हो आप लोग? सारे फोन के एक दो रहते हैं कि बस कुछ ही मॉडल के? सारे फोन के रहते हैं, कुछ के तो नहीं रहते कि ऑर्डर पे आता है वो। अच्छा, नंबर आपको दे दीजिएगा यहाँ का, मैं आने से पहले कॉल करूँ। लिखा हुआ है पहला नंबर, कोई फोन उठाएगा ना सर? फोन उठते नहीं ना जनरली, उठते हैं सर यहाँ पे। अच्छा, तब ठीक है, तो पार्ट है इसके, ठीक है सारे। अच्छा, जस्ट टू आस्क कि यहाँ की हालत देख के तो नहीं लग रहा है कि लाइक और ब्रांड्स में जाते हैं तो बड़ा अच्छा दिखता है, यहाँ पे टूटा फूटा वाला फील हो रहा है, ऐसा क्यों? मतलब वो जैसे खुला हुआ एक्सेसरी बॉक्स में कुछ है नहीं, और कुर्सियाँ जैसे काफी है, तो काफी पहले से देख रहा हूँ इसको यहाँ पे। Lenovo का यहाँ पे पहले से था। हाँ, फ्रेश एकदम हो जाएगा।
भाई सभी बैक पैनल का डिस्प्ले बताते हैं, नोकिया 7.2 बैक पैनल इसका मतलब मिलेगा भी नहीं मिलेगा, पुराना मॉडल है, 3 साल पहले का फोन है। बैक पैनल अगर आ जाए अवेलेबल है इंस्टेंट, इसका भी ऑर्डर है, इसे टाइम लगेगा लगभग अप्रॉक्स आने में 7 से 10 दिन। लावा का यही है ये, इसका देखिए रिपेयर हो सकता है क्या, लावा Z6 है, पता नहीं शायद पानी चला गया क्या हो गया था, ऑन नहीं हो रहा है जब से आया था, बहुत खाली खाली है, ऐसा क्यों? फॉल्ट रेशियो ही नहीं है नई Z सीरीज में, मतलब बहुत कम रिपेयर हो रहा है फोन। होम सर्विस है सबसे बड़ी। हाँ होम सर्विस का बताइए कैसे लेना है, होता है मतलब मैं भूल गया कैसे करना होता है, कॉल करना होता है कस्टमर केयर पे, आप कॉल करेंगे या आप वेबसाइट के थ्रू जाएंगे या व्हाट्सएप के थ्रू जाएंगे, अच्छा आपकी कॉल लॉगिन हो जाएगी वहाँ पे, फिर आप हमारे पास सेम डे हो जाता है कि मतलब नेक्स्ट डे मेरे पास आती है। अच्छा नेक्स्ट डे, जैसे आज अभी करें तो कल आपके पास आए, मेरे पास आ जाएगी तो कल आप भेज दोगे किसी को, कॉल करके कोऑर्डिनेट करता हूं फिर उसको आपके पास भेजता हूं। तो सारे पार्ट आप लेके आते हो कि कैसे? देखिए जो आपकी प्रॉब्लम है अब जैसे अभी मैंने बताया कि ये ऑन नहीं हो रहा है, चीज को तो देखना पड़ेगा ये, तो आप आओगे फिर दोबारा फिर आओगे पार्ट लेके, सबमिट होगा आपका, लेके आएगा, अगर पार्ट अवेलेबल है रिपेयर करके आपको शाम तक डिलीवर कर देगा। और ये लावा ब्लेज वेज अभी तक आया रिपेयर होने में? कोई कोई नहीं आया, तो ऐसा आप मतलब क्या हूं, क्यों है कि इशू अगर आया तो होम सर्विस में वहीं पे चार्जर करते हैं जैसे किसी का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना होम विजिट, तो ये कंपनी कैसे करती है बियर, मतलब अभी तो छोटी कंपनी है अभी कहाँ बियर कर लेती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बंदे को भेज रही घर जा जाके किसी को, सर कुछ चीजें देखिए करनी पड़ती हैं, मतलब आप तो नहीं जाओगे, आप भेजोगे किसी को? हमारे टेक्नीशियन जाते हैं, इस समय सब गए हुए सारे विजिट। अच्छा कितने हैं टोटल टेक्नीशियन? 4 अभी, एक ही है ना लखनऊ बस, यही है ना? नहीं है तो एक फैजाबाद रोड पे भी, लेकिन होम सर्विस हमारे पास है। Z सीरीज जो है हमारी उसमें फॉल्ट रेशियो बिल्कुल नहीं है, लगभग कितनी चाहेंगे मिल रहे अग्नि में एक भी कंप्लेंट नहीं। अच्छा फुली भी बैटरियां रखी हैं इसमें? तो डैमेज बैटरी जो होती हैं, बैटरी लगभग होगी 700-800 रुपए की लगभग बैटरी, बैटरी तो ठीक है, तो ये बियॉन्ड रिपेयर ही माने इसको, 6000 के आसपास चला जाएगा सब बोर्ड भाई, अप्रॉक्स जानना चाहिए, पूरा फ्रेश हो जाएगा ना पूरा एकदम 6000 में, तो इसका क्या करें फिर इस फोन का? देखिए 6000 रुपए लगा के आपको फोन रिपेयर कराने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, वैसे आप कराएंगे मैं मना नहीं कर सकता, नहीं कराएंगे, मेरा काम ही है रिपेयर करना। ठीक है अमिताभ जी, थैंक यू, अच्छा लगा मिलके। इसका आप एस्टिमेट बता सकते हैं रिपेयर का कितना आएगा? इन्फिनिक्स 05G बैक पैनल तो ठीक है शायद, बस ये डिस्प्ले और से कुछ चेंज होगा, और ये टेक्नो का भी होता है यहाँ पे, ये टेक्नो पोवा 2 इसका भी देख डिस्प्ले टूट गया है शायद, ये भी पूरा नई कंडीशन में कराना है, तो अप्रॉक्स बता दो दोनों का आप, ऑन नहीं होता है शायद वो, हाँ मेरे ख्याल से डिस्प्ले ख़राब हो गया था इसका, इसमें सिम ट्रे शायद टूट गई होगी, तो उसका प्राइस जोड़ दीजिएगा आप अलग से। हाँ अप्रॉक्स बता दीजिए दोनों का कि लमसम कितना आएगा, मतलब मोटा मोटा 1000-2000 आगे पीछे मान के चल रहे हैं। हाँ बता सकते हैं, बता दीजिए। पार्ट मंगवाओगे ऑर्डर पे, आप क्या रहता है इसका पार्ट? पार्ट मंगवाना पड़ेगा सर। कितना टाइम लगेगा लगभग? एक हफ्ते के अंदर ही आ जाते हैं पार्ट। अच्छा और फिर रिपेयर सेम डे कर दोगे आप जैसे लाएंगे तुरंत सामने? ये यहाँ पे क्या बहुत रश नहीं रहती क्या, मतलब ज्यादा रिपेयर रेट क्या है आता नहीं? प्रॉब्लम कम है ये टेक्नो में भी सेम। ये कॉल केयर क्या कोई थर्ड पार्टी कंपनी है जैसे F1 इन्फो होता है वैसे ही है? डायरेक्ट ऑथराइज नहीं है ये ओरिएंटन पे? कॉल केयर इनके पूरे ब्रांड का नाम है, ये ट्रांजेक्शन होल्डिंग कंपनी का नाम। उस पे साइट पे फोटो बड़ी अच्छी लगी थी सर्विस सेंटर की, मतलब एकदम मस्त फोटो लगाई थी देख के, यहाँ थोड़ा अलग सा निकला। कितना पुराना है ये, कब से खुला है यहाँ पे? ये 4 साल हो गए। 4 साल एक ही जगह है ना पूरे लखनऊ में, और कहीं नहीं ना? एक आपका वहाँ पे भी है शक्तिनगर डार्क पे सुपर शॉपिंग सेंटर में। संडे ओपन, सिर्फ थर्सडे बंद रखते हो आप? टच है, बैटरी कवर है, सिम ट्रे है और कैमरा सेंसर सर। इसमें आपका टोटल पेमेंट आ जाएगा 5,259 रुपए पूरा नया, 5,300 भी ले लें तो पूरा नया। यहाँ पे सामने रिपेयर करने की पॉलिसी नहीं आई? सामने ही रिपेयर होता है। सामने होता है जी। अच्छा सब कुछ खाली तब से, अभी से कि पहले से था? जब से खुला तब से, शुरू से था। अब सब कुछ सामने खोल लिया, पार्ट भी दिखा दिया, ये खराब ये बदला, जैसे लगाना हुआ वो सब छोटे पार्ट सामने लगने बाद तब अंदर जाता कि ये चीज अब लगेगी इसमें। मतलब जनरली कि फोन लॉन्च होने के कितने बाद पार्ट आ जाते हैं? वो तो लॉन्च जैसे ही में आते वैसे ही आ जाते हैं। अच्छा वैसे ही आ जाते हैं, नेक्स्ट डे से करा सकते हैं? ठीक है। Asus प्रीमियम केयर जी,
अब ये फोन मेरे पास पड़ा है, अगर ये आप बता सकते हैं कितने में रिपेयर हो जाए तो मैं सब बंद हो गई हो ही पाएगा। आसुस ने एक मैट्रॉक्स को दिया था, ये सेट मैट्रॉक्स के उसमें था, मैट्रॉक्स बंद हो गया। मतलब 3 साल पुराना फोन है ये, बहुत पुराना तो नहीं है ये? बंद हो गया है, मैट्रॉक्स जो कंपनी थी वो बंद हो चुकी है। आरओजी का मतलब कौन कौन सा मॉडल नहीं मिलेगा? आरओजी 2 का सिर्फ नहीं मिलेगा, आरओजी 1 जीवन भी यार इसी के साथ ऐसा क्यों कर रहे भाई, वन के साथ टू को बंद कर दिया आपने। जब कंपनी ने बंद कर दी तो क्या करें, कुछ नहीं होगा इसका फिर। अब ASUS 6Z कर सकते हैं आप? वो भी नहीं, वो भी माइट्रॉक्स है। 6Z मैक्स प्रो M1 मैक्स प्रो M2 6Z और ये मैक्स प्रो M2 हाँ वो भी है, वो भी बंद हो गया। मेरे पास सारे वही फोन है, आप वही बंद करा रहे हो सारे के सारे। कंपनी ने बंद कर दिया। और ये लेटेस्ट में जो ASUS 9 सीरीज है उसका हो पाएगा रिपेयर? वो सब है। कितना टाइम लगता है, मतलब पार्ट रखते हो कि आप, मतलब पार्ट ऑर्डर भैया कितना टाइम लगेगा आने जाने में? 3 से 4 दिन का टाइम आ जाता है ना उतने में। ओके, अप्रॉक्स कितना कॉस्ट होता है अगर होता है? अगर मदरबोर्ड की दिक्कत होती तो आप भी जानते हैं। सिर्फ डिस्प्ले की डिस्प्ले इसकी होगी करीब 17-18 हज़ार रुपये। लग रहा था डिस्प्ले ही नहीं मिलेगी इसकी। लास्ट स्टॉप गाइस माइक्रोमैक्स, 1.5 घंटा लगा इसके सर्विस सेंटर खोजने में। वो रहा गाइस स्टॉप पे, नथिंग लाइक एनीथिंग, सीरियसली मिला ही नहीं, हम नथिंग लाइक एनीथिंग ही है, इसके जैसा कोई नहीं मिला। खोज खोज के थक गए इसका सर्विस सेंटर। अरे भगवान, वाओ, आपसे ही बात हो रही थी फोन पे। अरे वेबसाइट पे एड्रेस तो अपडेट करा दीजिए, कहाँ से कहाँ खोज रहे हैं सबसे शहर में। तो गूगल मैप पे आप ही सही डाल दीजिए बना के, कम से कम लोग सर्च करें। क्या पड़ा, किस नाम सर्च करें वहाँ पे? AKS करके सर्च किया था, कुछ और डायबिटीज सेंटर लिख के आ रहा था, बता रहा था क्लोज्ड। AKS करके कुछ और भी है, मैंने वो भी डाला था शायद। ये In1 है, इसका डिस्प्ले बता सकते हैं कितने का प्राइस पड़ेगा, मतलब रिपेयर कराने में या पूरा सारी चीज़ें चेंज करानी हो? अप्रॉक्स बता दीजिए, अप्रॉक्सीमेट इतना। इसका फोल्डर में खाली आपको बता दे रहा हूँ। हाँ मतलब डिस्प्ले वाला जो चेंज होगा फोल्डर कम से कम 6800 रुपये खाली। 6800 फोन कितने का था? फोन भी 10-12 हज़ार का था। 10 हज़ार का फोन 6800 का डिस्प्ले। अच्छा फोल्डर में क्या, मतलब मदरबोर्ड सब बदल जाता है? नहीं, फोल्डर बदलेगा, मदरबोर्ड आप ही कराएगा। अच्छा ये पूरा सब कुछ नहीं चेंज होगा? अच्छा सारी चीजें बदल जाएंगी, मतलब ये छोड़ के बैक कवर छोड़ करके बाकी ये सब चेंज हो जाएगा। और ये फ्रेम वेम अंदर का चेंज हो जाएगा? फ्रेम वेम ये चेंज नहीं होगा, ये अलग से नहीं आता, ये फ्रेम चेंज हो जाएगा। हां आगे वाला और बैक पैनल अलग से चेंज होगा, अलग से करना। वो कितने का पड़ जाएगा? तो मतलब 7000 लगेगा लमसम। और पार्ट है आपके पास की टाइम लगेगा? मिल जाएगा परसों आपको। परसों आके? परसों क्या, कल शाम तक ही मिल सकता है आपको। अच्छा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो पूरा सुन लीजिए सर, वो कंप्लीट आपको बॉडी होगी उसकी, उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा चेंज हो जाएगा आपका। IMEI तो सेम रहेगा ना? IMEI सेम रहेगी, बाकी सब पूरा सब कुछ चेंज होगा। बैक कवर आपका ग्रीन कलर रहेगा, वो अच्छा है इससे देखने में। वो आपको टोटल जो पड़ेगा 85,000 रुपये पड़ेगा, सब कुछ चेंज होगा। अरे तो 10,200 का तो फोन ही मिल रहा है नया, तो इसी तरह बस नए फोन में वारंटी मिल जाएगी। तो क्या आपको लगता है बनवाए कि नया ले लें? हैंडसेट ऑन है, हैंडसेट तो वर्क कर ही रहा है, आप गिर के कली गिर के टूटा है तो हमने कहा भाई चेक कर लेते हैं। वारंटी इसमें कब ले रहा है? वारंटी तो नहीं है, 1.5 साल से 1.5 साल हो गया, वो जब आया था तभी खरीदा था। 6800-7000 ही मान लीजिए इसको, एक तरह से 7000 रुपये में आप चलता हुआ फोन दोबारा एक दोबारा सेकंड हैंड आपने खरीद लिया, समझ लीजिए बस, है ना। और नया फोन खरीदने के लिए आपको 12,000 रुपये पूरे खर्च करने पड़ेंगे आज की डेट में भी। तो ये अगर हम परसों लेके आए तो आप तुरंत बना दोगे? तुरंत नहीं, छोड़ना पड़ेगा। अच्छा तब आप ऑर्डर लगाओगे? बस पेमेंट आपको करनी पड़ेगी पहले, वही 1000-2000 जो भी अच्छा जो थोड़ा मोड़ा जो भी है ना, उसके बाद आपका जिस कंप्लीट है तो कोई पेमेंट करनी पड़ेगी। मैप में आप थोड़ा अपडेट कर दीजिए, क्योंकि अभी अच्छा देख ही लेते हैं इसी बात पे। आप कृष्णा नगर लखनऊ वैसे जाइए, बोला गया लेकिन नहीं मैंने तो खोजा आपके सामने। अरे गूगल मैप पे देखेंगे भाई, जस्ट डायल के गूगल मैप पे लोग रास्ता देखते हैं ना, जस्ट डायल पे रास्ता देखता है। बहुत देर 1.5 घंटे से हम खोज रहे हैं आपका रास्ता। ये एक ही है पूरे लखनऊ में क्या? वो मैं गंज गया, मुझे लगा तो मुझे पता था वो शायद चलता था आपका वहाँ पे। मैंने आपको इसलिए बोला ना, बनाना सही की मदरबोर्ड ऑन है, 7000 रुपए में आप फोन को अच्छे से चला सकते हैं 1-2 साल और, अगर टूटा ना। चल तो पूरा रहा था वो, टूटी गया, क्या करें। एक्सीडेंटल है चीजें, और नहीं चलाना है
इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, कंपनी से आपको जो पैसा वापस मिल सकता है वो बस मिलेगा आपको 500 रुपए से 1000 रुपए के अंदर बस। ठीक है, ये कर सकते हैं, 7000 रुपए लगाना होगा, 1 साल तक यूज करिएगा उसको। ठीक है ठीक, तो पैसा वसूल हो जाएगा आपका। चलिए, उसका बेची है उसे आप। लेकिन मैप पे आप कर दीजिए अपडेट फिर। ठीक है, थैंक यू भाई। बाकी सारे सर्विस सेंटर वाले कहते हैं टूट गया है तो उसको रिपेयर करा, मतलब रिपेयर ना कराओ, नया ले लो फोन, क्या करोगे लगा के। ये कह रहे रिपेयर करा के चलाओ, मतलब सारे चक्कर हैं कि हाँ भाई कर लो हमारे यहाँ से। गाइस पूरा दिन निकल गया टहलते टहलते, लेकिन फाइनली वी डिड इट, किसी ने नहीं किया 17 स्मार्टफोन ब्रांड्स की सर्विस रियलिटी आपको दिखाना, ये हम यहीं पे दिखाते हैं। बेसिक शब्दों में बात करते हैं गाइस। देखिए प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि जो बहुत ही टॉप प्लेयर्स हैं उनके सर्विस सेंटर्स तो वेल इस्टेब्लिश हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। अदर ब्रांड्स पर जो आएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोमैक्स, इन्फिनिक्स, टेक्नो एंड मोटरोला, इन सब के ज़्यादा सेंटर्स हैं नहीं, और पार्ट्स अवेलेबिलिटी इंस्टेंट मोमेंट पे बहुत ही रेयर चांस है। इनके हिसाब आपको ऐसा लेटेस्ट फ़ोन रखें जो विद इन 6 मंथ ओल्ड है, तब तो आपको पार्ट्स मिल जाते हैं। तो आज की गाइस प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पैथेटिक एक्सपीरियंस मिला वो मुझे गाइस मिला माइक्रोमैक्स में। वेबसाइट पर जो इटसेल्फ एड्रेस दे रखा है ना वो भी सही नहीं है। सर्विस सेंटर आई मीन एकदम जैसे होता है ना कि एक लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, सामान बिखरा पड़ा है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, फिश टैंक में मछलियाँ नहीं हैं, लाइट वाइट कुछ नहीं जल रही है, बस दो लोग बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, और मतलब पूरा एक्सपीरियंस, बट पार्ट्स अवेलेबिलिटी थी। आफ्टर दैट गाइस कैन यू बिलीव मोटरोला एंड नोकिया, आई मीन कम ऑन, इनकी बात करो, 10 साल पहले इनके दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्विस सेंटर थे, अब भाई साहब के पास बस एक सेंटर है, वो भी बेचारे मोटरोला के साथ मिक्स करके बना रहे हैं, मतलब कैसे बुरे दिन आ गए समझ नहीं आता है। ऑफिस का बिहेवियर जैसे एकदम सरकारी दफ्तर मोटरोला का, गुब्बारे लटके हैं एक महीने से, किसी को उतारने की फुर्सत नहीं, अलमारियां खाली पड़ी, एक्सेसरी की वहाँ कुछ नहीं है, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, चेयर गंदी सी पड़ी हुई है। ऑथराइज सेंटर है, कोई थर्ड पार्टी नहीं था मोटरोला का, ऑफकोर्स टाइप के साथ नहीं है, पार्ट्स तुरंत तो नहीं थे, लेकिन यस कुछ फ़ोन्स जो काफ़ी हाईली पॉपुलर हैं, जैसे कि मैं जो ले गया था वो H20 फ्यूजन ले गया था, इसके पार्ट्स तुरंत थे, तो ये कहीं भी हो सकता है, कुछ पॉपुलर मॉडल्स के होते हैं लेकिन ये थोड़ा पुराना फ़ोन है उसके थे। नोकिया के केस में गए अमेजिंग क्या निकला, सी लगभग 3-4 साल से ज़्यादा पुराना फ़ोन हो गया 7.2, इसके पार्ट अभी भी अवेलेबल थे। सो ये होता है गाइस एक ब्रांड प्रेफरेंस। लाइक अदर प्लेयर्स की बात करें गाइस तो मोस्ट इम्प्रेस्ड विद दी लावा। अब ऐसा नहीं, आप में से बहुत से लोग कहेंगे गाय पेड प्रमोशन है यार, कोई पेड प्रमोशन नहीं होता, हम खुद ही खरीद के करते हैं, टेस्ट कराते हैं। सबसे बेस्ट इसलिए लगा, लाइक स्टाफ का बिहेवियर रियली वेल, पार्ट इजली अवेलेबल, अगर आपके पास पार्ट नहीं भी हैं तो लावा की होम पिक एंड रिपेयर सर्विस होती है, यानी कि आप चाहे तो होम से पिकअप करा लीजिए या होम पर ही आपका फ़ोन रिपेयर हो जाएगा। दैट्स दी बेस्ट पार्ट, लाइक आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट एक्सपीरियंस जो मिला वो मुझे लावा में मिला। गूगल का गाइस मैं आपको बता रहा था, गूगल का कोई इटसेल्फ सेंटर नहीं होता। आपने पुराना पिक्सल 4a का मेरा वीडियो चेक कर लेना, वहाँ पे क्या होता है गूगल का, आपको पिक्सल फ़ोन से ही पिक्सल हेल्प से डायरेक्ट बताना है कि आपको फ़ोन डैमेज हो गया, फ़ोन पिकअप हो जाता है और हैदराबाद कहीं से रिपेयर हो के आता है। लेकिन वर्स्ट क्या होता है कि सिंगल ड्रॉप वाटर भी आपके फ़ोन में चला गया ना, तो ये सेफर साइड के लिए पूरा मदरबोर्ड तक बदल देते हैं। आई बिलीव ये फ़ोन को 27-28 हज़ार का था और इसका रिपेयर आ रहा था कुछ 22-23 हज़ार का, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं गया, सब चेक कर लेना, दैट्स वाई मैंने इसको रिपेयर नहीं कराया, इसलिए नया बाई कर लिया था। एंड क्या बचा, एसुस, ओह माय गॉड, इनको कैसे भूल सकते हैं। लाइक आप गाइस एसुस के पॉपुलर फ़ोन्स के नाम बताओ जो इंडिया में थे। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फ़ोन्स था, अभी मेरे पास है जेनफोन मैक्स प्रो M2, एसुस 6Z, ROG फ़ोन 2। अब ये क्या बताया इन लोगों ने कि कंपनी ने इन सभी फ़ोन्स की रिपेयर डिसकंटिन्यू कर दी है। लाइक अगर आपने 50,000 का फ़ोन खरीदा तो आप रिपेयर नहीं करा सकते, कुछ हो गया तो ये रिपेयर कर ही नहीं रहे, पार्ट ही नहीं अवेलेबल है, लाइक दैट इज़ डेड। अब लेटेस्ट जो फ़ोन है एसुस 9, वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एज्यूम अगर आपके पास ऐसे कोई पुराने पॉपुलर फ़ोन है तो आप रिपेयर नहीं करा सकते, व्हाट द हेल। सो ये सभी कुछ प्रॉब्लम है। सो मे बी गाइस आपकी सिटी में आपके साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस मिल सकता है, ये मेरा अनबायस्ड रिव्यू था जो मैंने फाइंड आउट किया। एंड यप, आई थिंक हमने सारे ब्रांड्स कवर कर लिए इंक्लूडिंग गूगल, इट इज़ टोटल 18 सर्विस सेंटर, डू चेक आउट दी पार्ट 1। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड इट, दिस इज सौरभ एंड सी यू वेरी सून।